हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो टाइम हो रखा है, बजे हुए सुबह के 6:30, आप देख ही सकते हैं। और सुबह के 6:30 बजे थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जैसी हो रखी है और मौसम ने तो सच में परेशान कर रखा है। अभी इसका कोई भी टाइम नहीं है सिवाय आफत के, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आफत ही सोच लीजिए बरस रही है आसमान से इस टाइम पे, जब खेती का पूरा टाइम चल रहा है। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज एक बहुत अच्छा सा नाश्ता, जो कि मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए पहले थोड़ी सी मैदा ली है, 1 चम्मच जो मैंने ये चमचा लिया, इससे थोड़ी होगी वो। उसके बाद फिर मैंने लिया है आटा, और उसके बाद लिया है मैंने ये बेसन। और बस ये तीनों चीज़ों को मैंने लिया है। मैदा कम भी ले सकते हैं, और मैदा नहीं है तो उसको स्क्रिप भी कर सकते हैं, खाली आटे से और बेसन से बना सकते हैं। और वैसे तो सोच लीजिए जैसे चीला बनता है उसी की तरह है, लेकिन सॉफ्ट और इतना वैसा बनता है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। वह आप आगे देख सकते हो कि कैसा बनेगा। तो हल्के हल्के से मैंने इसमें नमक मिर्ची हल्दी डाल ली, और उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा इसमें जो था अभी देखा आपने बेकिंग सोडा, जिससे कि बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और बस इसको एक पतला सा घोल हम इस तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसका घोल बना के, और अभी मैं इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। और इसमें गांठें ना बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तो बस घोल को तैयार करके रख के आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों को नहलाया है पहले मैंने, नहलाने के बाद मैं इनको यहाँ पर कर रही हूँ तैयार, और मैं इनको बनाने वाली हूँ टिफ़िन में। उसको टिफ़िन में लेके जाएंगी जी अपने लिए। और ये ना मेरे बच्चों को इतना पसंद है कि हफ्ते में एक बार क्या दो बार बना दो, लेकिन दो बार तो नहीं, हफ्ते में मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि बना दूँ। और कभी कभी क्या होता है, मैदा वगैरह नहीं होती है तो फिर इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता है। बनता तो है, लेकिन मैदा साथ में डालो तो ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए अभी मैंने घोल तैयार कर लिया, और इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, और बस इस पर थोड़ा सा मैंने पहले घी लगाया है, घी तेल कुछ भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद देखिए डाल दिया, डाल के इसको इस तरीके से हिला दिया है, और अच्छी तरीके से छूट जाता है, इसको छूटने में कुछ नई दिक्कत होती है। और पहला थोड़ा सा ना लोहे का तवा है, और अभी इस पर बनाए थे पहले पराठे तो काला काला जैसा हो गया, इसके बाद फिर ये सेकंड वाला है। और देखिए इसमें छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं, जिनसे कि अच्छी तरीके से इनकी भाप निकल के अच्छी तरीके से पक जाता है। और इसमें आप छोटी छोटी सब्जियां भी चॉप करके डाल सकते हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्ची कुछ भी, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं सब्जियाँ, सबसे बड़ी यही दिक्कत है। तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, नमक मिर्ची यही सब कुछ डाला है। और बस ये देखिए कितना अच्छे से पलट गया है, और वैसे जो पलटा जैसा होता है उससे और अच्छे से बनता है। तो बस देखिए इसको मैं इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से थोड़ा सा घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं, और ऐसे सेक लेंगे। और जब जल्दी हो या फिर कुछ भी समझ में ना आए बच्चों के लिए क्या बनाएं, तो आप इस तरीके से मेरी तरह बना के ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी पसंद आएगा। तो बस देखिए इसी तरीके से मैं बच्चों के लिए सारे बना के अभी सेक लेती हूँ, और आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे ये सेक करके तैयार हो रहे हैं। और अभी इसको मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाऊंगी, ये देखिए कितना अच्छा सेका हुआ है। और इसको देखिए फोल्ड करूंगी, लेकिन फिर भी टूटता नहीं, बहुत अच्छा बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर अपना वो मेरे साथ शेयर करें कि कैसा बना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं अभी फटाफट से बच्चों के टिफ़िन लगा देती हूं, और बन भी जल्दी जाता है, इसमें कुछ इतना झंझट भी नहीं है। और वैसे बच्चे मेरे कभी ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं, सुबह सिर्फ दूध पी के जाते हैं, लेकिन जब इनके कोई मनपसंद की चीज़ बनती है तो इनको सुबह पहले थोड़ा सा खा के जाना होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने रख दी है सॉस और साथ में, और ये खा लेंगे। और इसके बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और बच्चे चले गए थे, बच्चों के जाने के बाद ये मुझे लग रहा है शायद 8:30 या 9 बज रहे थे, इतना ही टाइम था। और मुझे लगानी है पूरी जो बाहर का है, इसमें सारे मैं झाड़ू, क्योंकि अभी क्या है 2-3 दिन से खेतों का काम चलने लगा है। तो किसान हैं तो देखिए थोड़ा बहुत तो अपना अपने आप से काम देखना ही पड़ता है। तो मम्मी पापा उधर चले जाते हैं, और फिर अंदर करो बाहर करो अकेले पूरा काम आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है सच में। बाहर का सबसे ज़्यादा काम हमारा झाड़ू का है, अभी यहाँ पूरा झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और भैंस जो हमारे जानवर हैं, हम पशु रखते हैं, उनको नहलाना वहलाना सारा काम यहाँ का पूरा ख़त्म करके जब मैं अंदर जाऊँगी तब जाके कहीं मैं अंदर का काम शुरू करूँगी।
तो अंदर का तो मैं फिर भी करती रहूँगी, धूप में पहले मैं बाहर ही आ गई हूँ क्योंकि धूप का फिर दिक्कत होती है करने में। और ये देखिए बाहर से पूरा करने के बाद फिर मैंने अंदर से आके पूरा किचन साफ़ किया है, और पूरा किचन साफ़ करने के बाद ये देखिए पोछा वगैरह सारा कुछ लगा दिया है। और इतना सब करने में टाइम हो गया था, 11 या 11:30 बज गए थे, 11 बज रहे थे शायद अभी मुझे लग रहा है। अभी मैंने देखी मेरा रूम भी साफ पड़ा है, अब मैं सोच रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो फ्रिज में पड़ी थी ये फालर जो प्याज होती है, तो बस इसी की सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पर काट के 2 आलू काटे और उसमें से फालर काटी थी, और साथ में आलू और फालर की सब्ज़ी जो सिंपल सब्ज़ी छोंकते हैं वैसे ही छोंक दी है। टमाटर बाद में ऐड किया है कि जिससे कि सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी पक जाएगी, टमाटर पहले डालने से सब्ज़ी में टाइम लगता है। देखिए 11:30 बज गए हैं, अभी आपको इससे दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइट से, देखा ना 11:30 बज गए, सब्ज़ी मेरी बनने वाली है। काम मैंने सारा कर दिया है, मतलब अभी नहाना धोना बाकी है, और अकेले ना अकेले बहुत हो जाता है। देखिए बाहर का भी सारा करके आई थी, अभी चूल्हा वगैरह है वो समेटने के लिए बाकी है, उसको भी करूँगी। और ये देखिए लगाऊँगी और खाना बाद में ही बनाऊँगी। और 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि एक तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह सुबह के टाइम में, और जब तक यहाँ पे देखिए आप देख ही सकते हैं धूप आ जाती है चूल्हे पे, तो फिर खाना ज़्यादातर मैं गैस हीटर ये सब इन्हीं पे बनाती हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ का साफ़ कर देती हूँ, और रोटियाँ तो मैं बाद में ही बनाऊँगी क्योंकि यहाँ तो हो गई है धूप, खाना बनाने लायक नहीं है। तो बस यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा के बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और अब इस पर मैं लगा दूँगी जो पोता फेरते हैं पोता, और बस इस पर भी कर दूँगी भट्टे में, क्योंकि भट्टे में क्या है हमारा दूध गर्म करते हैं इसमें हम। और सारे काम करने के बाद, और मैंने आपके साथ ना थोड़ा थोड़ा सा शेयर किया, पूरे काम शेयर कर दिए तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितने मिनट का वीडियो बनता, आप लोग देख भी नहीं पाते। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद अभी बज गया है 1, और 1 बजे जस्ट आप देख ही सकते हो, 1 बजने में 5 या 10 मिनट की देरी है। बस मैं नहा के आई हूँ, और तो बाकी के सारे काम हो गए, बस रोटियाँ बनाना बाकी है क्योंकि मैंने वो भी बना लिया। सब्जी वब्जी तो पहले ही बना के रख दी थी, बस रोटियां बची हुई हैं बनाने के लिए, तो बस अभी मैं बना दूंगी रोटियां जा करके। तो यहाँ पे उबल रहे हैं आलू क्योंकि पापा जी का फास्ट था, तो फिर आजकल क्या है दिन भी बड़ा होता है और थोड़ी सी भूख भी लग जाती है, तो आलू का मम्मी बना देंगी हलवा। आलू का जो हलवा बनता है, वैसे ये मीठी चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ, आलू का हलवा मैं कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ पापा खा लेते हैं तो मम्मी बना देंगी। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया, और आटा लगा के मैं रोटी बनाऊँगी आज हीटर पे। और इस पे अगर आप कभी करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी से करना है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि इस तरीके से ज़िंदगी से खेलो, क्योंकि ये लाइट है और बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसे मैं कभी बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, आज ही बना रही हूँ। लेकिन लकड़ी से इसको हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं, नहीं तो ये लाइट है छोड़ेगी कुछ नहीं, ख़त्म होने में कुछ देर नहीं लगती सारा कुछ। तो अभी रोटियां मैंने बना ली हैं, और रोटियां बनाने के बाद फिर अभी मैं लगाऊंगी अपना खाना खाने के लिए। और ज़्यादातर है तो मैं खाना आपको पता ही है दोपहर के टाइम नहा के ही खाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले खाती होंगी। तो मैंने ले लिया है दही, और दही में डाल लिए मैंने नमक मिर्ची जीरा रायते की तरह उसको बना लिया है, और साथ में कल बनाई थी करेला की सब्जी, तो करेला भी रखा हुआ था तो वो भी साथ में ले लिया है, और आलू प्याज की वो सब्जी। और अब जाके आप देख सकते हो कि टाइम भी आपने देखा होगा कि टाइम कितना हो रहा था, 2:45 हुए थे, और इस टाइम तक कहीं जाके काम हो पाया है, और इस टाइम जाके मैं कहीं खाना खा रही हूँ, तो सोचिए कितना मुश्किल होता है अकेले सब करना। शाम के 5 बजने वाले हैं, और चलिए बरसी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है तो काट ही लेती हूँ। मम्मी चली गई अभी खेत पे, और थोड़ी देर मुझे आराम मिला था 1 घंटे के लिए, उसके बाद अंदर बच्चों को ट्यूशन भेजा, चाय वगैरह बना, काफ़ी सारा काम किया। तो अभी चलिए आपको लेके चलती हूँ अपने खेत, और खेत हमारा एक जो है कि बिल्कुल पास में आप देख ही सकते हो, जैसे घर से नीचे हम एंट्री लेंगे वैसे हमारा खेत है। तो यहीं पे है बरसी, और बस इसी को मैं काटूंगी क्योंकि आज मम्मी चली गई हैं खेत, तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। और अभी
सब जगह पूरा कटाई चल रहा है और इस टाइम पे बारिश भी ना डेली डेली आ रही है, डेली बहुत ज़्यादा अभी तो परेशानी चल रही है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे अभी ना ये इसका भी टाइम गलने का आ गया, तो अभी ये भी ख़त्म जैसी हो रही है, नहीं तो वो काफ़ी जो बड़ी बड़ी और ऐसी चलती है, तो अभी तो छोटी छोटी इसको काटने में बहुत टाइम लग रहा है। तो चलिए फटाफट से काट के लेके चलते हैं, और काट के और हम उसको लेकर के आ गए, और फिर उसके बाद आ गए हम घर, और टाइम हो रखा है, बजे हुए हैं सवा पाँच या 5:30 बज रहे होंगे। तो बस अभी इन सबको दिखा दूंगी मैं, पानी एक बार सबको पिला दूंगी, और दूध वगैरह वैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर लेती हूँ निकालने की, पर लेकिन मुझसे अच्छे से आता नहीं है। तो अभी मम्मी आ जाएंगी, तब तक ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, और फिर अब शाम का काम ही है, खाना पीना बनेगा, काफ़ी सारा काम होता है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।